ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण को लेकर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों पर विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में असंतोष पनप गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने यहां पिछली बार 33,000 से अधिक मतों से हारे सुनील शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया और इस बात से ग्वालियर विधानसभा से टिकट मांग रहे क्षेत्रीय नेताओं ने सुनील शर्मा को टिकट दिए जाने का खुलकर विरोध किया है और कांग्रेस के नेतृत्व में इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो हम पार्टी के खिलाफ निर्णय लेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा का कहना है कि वह रूठे हुए लोगों को मना लेंगे। पहली बात तो आप एक बहुत अच्छे से जान लें कि पार्टी ही हमारी सब कुछ है और पार्टी के हम हैं सच्चे कार्यकर्ता, ठीक है। अब पार्टी में इतना बड़ा परिवार है कांग्रेस का और प्रजातंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, तो अगर खुल के कोई बात कहता है अपने घर में तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उद्देश्य सबका बड़ा साफ है कि पार्टी के हित में जो भी अच्छा हो, जो पार्टी की सीट निकाल पाए ग्वालियर 15 से, ऐसा हमारा मानना है कि पार्टी को उस पर सोचना। दूसरा, मैं किसी के आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊँगा, सिर्फ इतना ये कहूँगा कि जब कोरोना काल था इस ग्वालियर की जनता की सेवा करने में प्राण प्रण से मैं जुटा था, जब जब भी ग्वालियर की जनता की लड़ाई लड़ने का समय आया आपका इनका बेटा और भाई सुनील शर्मा जनता के बीच में खड़ा था। आज मैं तो परमपिता परमात्मा को का शुक्रगुजार हूँ, ग्वालियर विधानसभा की मेरी जनता, मेरी भगवान, उनका आशीर्वाद है। देखिए, कांग्रेस की सरकार अगर बनाना है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि कांग्रेस के MLA की संख्या 320 में आधे से ज़्यादा हो, और कांग्रेस के MLA की संख्या जब ही ज़्यादा होगी जब कांग्रेस के MLA क्षेत्रों से चुनाव जीतकर जाएंगे। हम कांग्रेस का भला चाहते हैं, हम कांग्रेसी हैं। अगर इस तरीके के लोगों को आप टिकट देंगे जो ऑलरेडी 35,000 से हारे हुए हैं,